राजनीति तो वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया भी कि ये जो हमारा रजिस्टर है, जो हमारा खराल का जो खराल ये प्रधान उप प्रधान बीडीस मेंबर का संघ बना हुआ है, जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर थे, इस रजिस्टर में जो है उनके साइन हैं, उन्होंने साइन किए हैं। रोप पहले दो मीटिंगें हुई हैं, दोनों में रोप वे के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास हुआ है, और दोनों बैठकों में पहला एजेंडा जो रोप वे है, ये 2 साल पहले है, क्योंकि उस वक्त सरकार कोई और थी। अब सरकार बदल गई, तुर भी बदल गए, अब वो उनसे पूछिएगा आप कि अगर मैंने ये साइन किया हूँ इसमें, उनके साइन है, मुख्यमंत्री को हमने रजिस्ट्री करके वो कॉपी भेजी हुई है कि रोप वे यहाँ नहीं लगना चाहिए, उसमें सारे प्रधान बीडीसी मेंबर्स उनके साइन है, आप देख सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। ये प्रश्न आप दोबारा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस तरह से उनसे कीजिए कि आपके साइन वहाँ है या आपसे ज़बरदस्ती करवाए गए। वो बोल रहे थे कि लोगों को भड़काया गया, किसने भड़काया, हमने तो नहीं भड़काया, हमने तो अपनी बात रखी है, बैठकों में अपनी बात रखी है। अगर लोगों को भड़काया, लोगों को तो नहीं भड़काया गया, अगर भड़काया गया होता तो वो भी उस वक्त साइन इसमें नहीं करते। उससे पूछिए कि अगर लोगों को भड़काया है या आप दबाव में हैं, आपकी मजबूरी है, ये वो किसी और की बोली बोल रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं। हम अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, हमारी राजनीतिक विचारधारा आपस में नहीं मिलती है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जैसी है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह। इसलिए इस मुद्दे पर हम इकट्ठे हो, क्योंकि ये हमारे स्थानीय लोगों का मुद्दा है और स्थानीय जो बच्चे अगली पीढ़ी है उनके भविष्य का सवाल है, इसलिए हम खड़े हुए। हमारा कोई निजी स्वार्थ इसमें ना है ना कभी रहेगा। कुछ पंचायतों के एक एक दो दो गाँव में बैठकें की थी रोबे के बारे में, वहाँ उनकी राय सुनी, एक भी आदमी मुझे पब्लिक में ऐसा नहीं मिला जिसने रोबे का समर्थन किया हो, क्योंकि सबको पता है कि हमारा रोजगार छीनेगा। जब यहाँ महिला मंडल वगैरह भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि एक अनपढ़ भी आदमी होगा या महिला होगी तो वो भी वहाँ पर और नहीं अपने किल्टे में जो है अपने उत्पाद बेचेंगे, सेब नाशपाती पलम खुमानी वगैरह वो भी बिकेगा, और साथ में जो लोकल डिश भी बिकेगी, और साथ में जो है सिड्डू वगैरह जो हमारे हैं जैसे लोकल डिश, ये भी कोई भी आदमी बेचेगा, उनको भी रोजगार मिलेगा। हमारी जो महिलाएं हैं वो 3 फुल वाले पट्टू जो हमारे लोकल लिबास है, भोग ये हमारा ड्रेस है, चोले टोपे हैं और 3 फुल वाले पट्टू चंद्र हार वगैरह जो है टूरिस्टों को पहनाकर उससे भी पैसा कमाएंगे। वो जो है हमारा रामशिला से लेकर बिजली महादेव तक और परे जो है नीचे छरौड़नाला से लेकर बिजली महादेव तक सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वालों को रोजगार मिलेगा, वो चाहे मनाली की टैक्सियाँ हो चाहे भुंतर की टैक्सियाँ हो, जो एयरपोर्ट से आए भुंतर की टैक्सी वालों को रोजगार मिलेगा, मनाली से टूरिस्ट बिजली महादेव आएगा वहाँ के लोगों को, कुल्लू से जो टैक्सियाँ चलेंगी वहाँ कुल्लू के लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए जी, देवता ने पहले भी दो तीन बार दीवाणी की थी, मगर कुछ लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे कि नहीं हुई है, तो इसमें जब हमारे व्रत जब चला हुआ था पर ना एक हफ्ते का, तो रविवार को उसकी पुनःहुति थी, तो वहाँ पर लोगों ने ऐसे सुख शांति के लिए वहाँ प्रार्थना की, तो देवता ने उसने हमने रूपये की बात की नहीं, देवता ने खुद कहा कि जो भी ये कार्य हो रहा है ये कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसके बोलता हूँ अगर इसका किए तो उसका परिणाम बुरा होगा। इससे पहले भी देवता ने कहा है कि मेरी नंगी धारा से छिड़काई नहीं करनी चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं कि रोपी हम थोड़ी छिड़काएंगे, तो नंगी धारा साथ सारी हैं, और आप बिजली महादेव प्लेट किसके लिए लगा रहे हैं, वहाँ पे कोई गांव तो है नहीं, आप लगा रहे हैं बिजली महादेव को टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, वो धार्मिक स्थल है, हम कहते हैं इसको कोई और स्थान पर लगाइए और टूरिज्म प्लेस वो नहीं है। अभी आपने देखा मणिकरण में कितना बड़ा हादसा हुआ, मकी बाहर हुरदंग किया, बाहर 3 महीने हमारे कटार बंद रहते हैं, हम हरियाणा है, हम भी बाहर नहीं जाते 3 महीने, टूरिज्म तो टूरिस्ट जाएंगे और वहाँ पर गंदगी जाएंगे तो कौन उसकी जिम्मेदार रहेगी, आप इसको स्थान कोई और जगह टूरिस्ट प्लेस पे स्थान हम स्वागत करते हैं, मगर बिजली महादेव ने माँ को स्पष्ट रूप से आदेश हुए हैं, और ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा ये, ठीक है, और हमारे लिए हरियाणा के लिए बिजली महोत्सव से पहले है, पार्टियाँ उसके बाद हैं, हम बिजली बाद का समान है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ रहे हैं।